दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कितना भी खा लें उनका वजन कभी नहीं बढ़ता है, और वही दूसरी ओर कुछ लोग पानी भी पी लें तो भी उनका वजन बढ़ जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे के साइंटिफिक फैक्ट्स और इसमें छुपे रहस्य के बारे में, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स की। हमारा वजन काफी हद तक हमारी DNA यानी कि जीन पर डिपेंड करता है। साइंटिस्ट का कहना है कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले कई जीन होते हैं। अगर आपके माता पिता या फिर आपके परिवार में लोग पतले हैं तो हो सकता है कि आपने उनके मेटाबॉलिज्म से जुड़े जीन इनहेरिटेड किए हों। स्टडीज बताती है कि FTO और MC4R जैसे जीन हमारे शरीर के वजन को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ लोगों में ये जीन इस तरह से काम करते हैं कि उनका शरीर खाने में से कैलोरी को काफी तेजी से जलाता है, और यही वजह है कि उनमें वेट गेन होने की पॉसिबिलिटी काफी कम होती है। तो अगली बार जब आप किसी को कहें कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हारा वजन तो कभी बढ़ता ही नहीं, तो याद रखें कि ये उनकी मेहनत से ज्यादा उनके जीन का जादू हो सकता है। अब सेकेंडली बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि शरीर कितनी तेजी से ऊर्जा को खर्च करता है। कुछ लोगों का बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR हाई होता है, और इसका मतलब होता है कि ये लोग आराम करते हुए भी ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। जैसे 2020 की एक स्टडी में पाया गया कि एक जैसी डाइट लेने वाले लोगों में भी उनके मेटाबॉलिज्म की रेट अलग अलग हो सकती है। जिनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है उनका शरीर खाने को तुरंत ऊर्जा में बदल देता है, जबकि धीमे मेटाबॉलिज्म वाले लोगों में खाने से फैट यानी वसा जमा होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना थके दिन भर दौड़ते भागते रहते हैं? इसका कारण भी उनका तेज मेटाबॉलिज्म हो सकता है। दोस्तों, वजन न बढ़ने का एक और बड़ा कारण है भूख पर कंट्रोल। दोस्तों, कुछ लोगों का शरीर ग्रेलिन और लेप्टिन जैसे हार्मोन को अच्छी तरह से बैलेंस करता है। ग्रेलिन को हंगर हार्मोन कहा जाता है, जो हमें भूख लगने का संकेत देता है, और लेप्टिन को सैटाइटी हार्मोन कहा जाता है, जो हमें बताता है कि अब पेट भर गया है। जिन लोगों का वजन स्टेबल रहता है उनमें ये हार्मोन बैलेंस्ड रहते हैं, और जिससे वे जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाते। हार्वर्ड की एक रिपोर्ट में बताया गया कि जो लोग कम खाना खाने पर भी ऊर्जा से भरपूर रहते हैं उनमें हार्मोनल बैलेंस बेहतर होते हैं। वैसे ये तो आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, वो दिन भर चलने फिरने खेल कूद और फिजिकल एक्टिविटी में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उनका रूटीन देखें तो पता चलेगा वो कभी भी लंबे समय तक बैठे नहीं रहते। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक स्टडी के मुताबिक एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोग एवरेज 200 से 400 कैलोरी ज्यादा बर्न करते हैं, और जो वजन ना बढ़ने में मदद करता है। तो अगर आपके दोस्त का वजन नहीं बढ़ रहा है तो शायद वो आपसे ज्यादा एक्टिव है, और उसे कॉम्प्लीमेंट देना ना भूलें। क्या आप जानते कि वजन ना बढ़ने वाले लोग अक्सर छोटी छोटी और हेल्दी मील्स लेते हैं? वो ज्यादा तला भुना या कैलोरी डेंस फूड कम खाते हैं। वो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर खाने पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा वो खाने को अच्छी तरह से चबाकर खाते हैं, और जिससे उनका डाइजेशन बेहतर होता है। स्टडी के मुताबिक धीरे धीरे खाने वाले लोग कम कैलोरी खाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। इन सब के अलावा दोस्तों, कुछ लोगों का वजन ना बढ़ने के पीछे हेल्थ से जुड़ी भी कुछ समस्याएं हो सकती है, और जिसमें पहली है थायराइड की समस्या। हाइपर थायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, और जिससे मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। नंबर 2, डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों का वजन तेजी से घट सकता है। नंबर 3, गट हेल्थ। डाइजेशन सिस्टम में अगर पोषक तत्व सही से अब्सॉर्ब ना हो तो भी वजन नहीं बढ़ता है, और अगर आपको भी लगातार वजन ना बढ़ने की समस्या हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि तनाव, चिंता और डिप्रेशन का भी वजन पर असर पड़ सकता है? कार्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन की वजह से कुछ लोग या तो ज्यादा खाते हैं या खाना भूल जाते हैं, और ज्यादा टेंशन में रहने वाले लोग कभी कभी अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे उनका वजन कम हो सकता है। यानी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का गहरा संबंध है। अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है और आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा, जैसे कैलोरी बढ़ाएं, दिन भर में 500 से 700 एक्स्ट्रा कैलोरी लें, हाई प्रोटीन डाइट, अंडे, मांस, दालें और दूध जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ लें, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करें, खासतौर पर वेट लिफ्टिंग, आराम करें, पर्याप्त नींद लें। नींद मेटाबॉलिज्म और मसल ग्रोथ को सुधारती है, और डॉक्टर से सलाह भी जरूर लें, और अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो मेडिकल चेकअप कराएं। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिनकी वजह से कुछ लोगों का वजन नहीं बढ़ता है। याद रखें, हर किसी का शरीर अलग होता है। किसी का पतला होना या किसी का मोटा होना केवल उनकी डाइट या एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उनकी जेनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म और लाइफस्टाइल का भी बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, अगर आप इस जानकारी से सहमत और आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।